हेलो फ्रेंड्स, आज हमने जो लेसन तैयार किया है वो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर किया है जिनकी अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि हमारे प्रश्न छूट जाते हैं या फिर हम उनको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए, इसके लिए हम मैंने आपकी जो मिलने वाले 195 मिनट्स है इनको टोटल आपके क्वेश्चंस में डिवाइड किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको मिलने वाला जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है पूरा यूटिलाइज हो। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेपर में जो रोल नंबर दिए जाते हैं इस जगह आप अपना रोल नंबर लिखें। उसके बाद में आप जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज, इसको आप ध्यान से पढ़ें। एक एक इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ें, कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं, कितने सेक्शन में पेपर डिवाइड किया गया है, उसको आप पूरा ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को रीड करने के हमें 15 मिनट सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो उन 15 मिनट का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उसके बाद में आपका पूरा पेपर सील्ड आता है, इस जगह आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है टीयर हियर टू ओपन द क्वेश्चन पेपर। बहुत से बच्चे उल्टी साइड से पेपर खोल देते हैं, आप ये ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पर आपका पेपर सील आता है। आप आसानी से पेन से, ये यहाँ लिखा हुआ है टीयर हियर, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को खोलें, यहाँ लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन पेपर खोल लें उसके बाद में आप तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को पढ़ें और पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं उन सेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं, ये आप एक बार पूरा का पूरा पेपर लास्ट तक, यहाँ से लेकर लास्ट तक आप जो आपके 28th क्वेश्चन है वहाँ तक आप पूरा पढ़ लें। जब आप इसको पूरा पढ़ लें उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन पेपर को कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आ रहा है उस हिसाब से करना है। लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करना है। मैं आपको बताऊँ कि 15 मिनट से हमने पढ़ लिया क्वेश्चन पेपर को, अगर 15 मिनट में नहीं 10 मिनट में पढ़ लिया तो 5 मिनट हमारे काम आएंगे। सबसे पहले अटेम्प्ट द पैसेज फर्स्ट, हमें क्या करना है, ये जो पहला पैसेज हमारे दिया हुआ है ये यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर, इसको आप पढ़ लीजिए। ये काफ़ी बड़ा होता है, लगभग आपके 250 से 300 शब्दों का होता है। इसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 9 नंबर के होते हैं, तो इनको ढूंढना आसान कार्य नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको सोल्व करने के लिए 25 मिनट्स दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो, तो ये आपके आता है नोट मेकिंग का, ठीक है, नोट मेकिंग का पैसेज आता है, इसके लिए मैंने आपको 20 मिनट्स दिए हैं। आप देख लीजिए ये भी काफ़ी बड़ा आता है, लगभग 250 300 शब्दों का ये आपके पैसेज आता है। इसमें आपको एक बार तो इसके नोट्स बनाने रहते हैं और दूसरे पॉइंट में आपको समरी और उसका टाइटल लिखना होता है, तो ये भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इसके 20 मिनट्स दिए हैं। नंबर 4 पे पोइट्री सेक्शन है, एक्सट्रैक्ट यानी कि आपको 4 लाइन दे दी जाती है और इस 4 लाइन देकर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का आता है। ये बहुत इजी है, इसके लेसन हमने हमारे चैनल पर डाले हुए भी हैं, नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देख लें, इसको आपको मात्र 5 मिनट में ये सोल्व हो जाएगा। नंबर 5 पे पोइट्री क्वेश्चंस आते हैं जो आपके का विभाग है, उसके आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, अगर हम 4 4 मिनट में भी करें तो मैंने इसके 12 मिनट्स आपको दिए, आप देख लीजिए ये हमारे पोइट्री सेक्शन है। आंसर any 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं 3 4 लाइन में, तो आप 3, ये ज़रूर ध्यान रखिए 3 करने हैं, 4 दिए हुए हैं, जो भी आपको आता है आप वो ज़रूर कर लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पोइट्री सेक्शन के बाद में पोइट्री क्वेश्चंस हो गए, प्रोज क्वेश्चंस आते हैं आपके 4, यानी कि 30 से 40 शब्दों के आते हैं, 4 मिनट में भी करें तो भी 16 मिनट ये हमारे प्रोज के हो गए, यानी कि हमारे जो
बुक वन है, इसके चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने ये चार क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ने के बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस बुक टू के ये भी चार दिए हुए हैं और चार ही में करने, यानी 16 मिनट हमने इसके भी ले लिए। ये आप देख लीजिए, ये रहे चार क्वेश्चन बुक टू के आपके और हमने इसके 16 मिनट ले लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दो आते हैं, 7-7 नंबर के, ठीक है। और ये हमने इसके लिए 26 मिनट लिए, यानी एक को हमने 13 मिनट दिए, तो 26 मिनट हमने इसके लिए। ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन रहा यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 5 वर्ड्स, यानी कि 12-13 लाइन तो हमें इसमें लिखनी है ही सही। ये 7 नंबर का है। और एक और देख लीजिए, ये रहा जो बुक टू का है, माइकल ओ बिकारी दिया हुआ है, सोप एजेंसी ग्रोइंग अप पेंस का। ये दो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इसके लिए हमने 26 मिनट ही लिए। इसके बाद में आप हम आ गए राइटिंग सेक्शन में, हम राइटिंग सेक्शन को देखते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में हमारे यहाँ पर बी वाला सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आपके पोस्टर या इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस, यानी कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिस को 10 मिनट में कर सकते हैं। 10 नंबर पे आती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग, 100 शब्दों में लिखनी है, 10-12 लाइन में लिखनी है, ये रिपोर्ट राइटिंग हमारी आएगी। इस रिपोर्ट राइटिंग में भी 7 नंबर की है और अबाउट 100 वर्ड्स में लिखनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के लिए 15 मिनट हमने लिए। इसके बाद में हमारे दिया हुआ है लेटर राइटिंग का, लेटर लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का, वो है हमारी या तो स्पीच आएगी या फिर आर्टिकल आएगा। इन दोनों को मिलाकर हमने 35 मिनट लिए हैं, यानी कि दोनों को 15 मिनट में, या देखिए लेटर को 15 मिनट में और स्पीच या आर्टिकल को 20 मिनट में बना सकते हैं। ऐसे टोटल 35 मिनट हमारे बचते हैं। और अगर जब ये टोटल करने के बाद भी हमारे कुछ शेष रह जाता है, तो लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं हमारे पास में, उन 5 मिनट में आप एक बार पूरा पेपर देखें, कहीं कोई चीज़ छूट रही हो तो आप उसको दोबारा देखें, और एक बार जो आप क्वेश्चन पेपर कर लें उन क्वेश्चंस पर आप टिक लगाना न भूलें, ताकि जो चीज़ आपको नहीं आई हो और आपने छोड़ दी हो, लास्ट में उसे ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये टोटल हमें मिलने वाले 195 मिनट्स हैं। अगर आप इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जितने मिनट हमने उसे दिए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करें, तो मुझे पूरा भरोसा है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।